लास्ट फेब्रुअरी में संदीप और मेरी बचपन की दोस्त देवजानी हम तीनों मिलके निकले थे ऊनकोटी जाने के लिए। नहीं नहीं स्कूटी से नहीं, पहले हम तीनों स्कूटी से जाएंगे अगरतला रेलवे स्टेशन पे। अगरतला से लोकल ट्रेन में भी जा सकते थे लेकिन उसमें भीड़ बहुत होता है, तो हमने कंचनजंगा एक्सप्रेस से जाने का फैसला किया आराम से बैठ के जाने के लिए। ऊनकोटी जाने के लिए ट्रेन से पहले कुमारघाट आना पड़ेगा अगर आप अगरतला से जाते हो तो। एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट प्राइस है 65 रुपीस, लोकल ट्रेन का है 20 रुपीस। कुमारघाट स्टेशन से बस या ऑटो लेकर हमें पहले जाना होगा कैला शहर, क्योंकि ऊनकोटी जाने के लिए वहीं से हमें एक और गाड़ी लेना पड़ेगा। कैला शहर आकर हमने चाय शाय पी के एक ऑटो हमने बुक कर लिया था 800 रुपीस, जो हमें कैला शहर टू ऊनकोटी एंड देन वापस कैला शहर मोटर स्टैंड ड्रॉप करेगा। वैसे खुला ऑटो या आधार गाड़ियाँ भी जाती है ऊनकोटी तक, लेकिन वापस लौटने वक्त गाड़ी मिलना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमने रिजर्व बुक कर लिया। अगर देखा जाए तो तीन लोगों के लिए 800 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं था, बस 150-200 रुपया एक्स्ट्रा लगा। सो फाइनली हम आ चुके हैं ऊनकोटी। यहाँ से नाम फ़ोन नंबर रजिस्टर करके हमें एंट्री करना होगा, कोई एंट्री टिकट यहाँ पर नहीं लगता। ऊनकोटी का मतलब होता है एक कोटी, यानी कि 1 करोड़ से एक कम। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी 1 करोड़ देवताओं के साथ काशी जा रहे थे, यहाँ पर उन देवताओं के साथ रेस्ट करने के लिए रुके थे। फिर सुबह जाते वक्त सभी सो रहे थे तो शिव जी को गुस्सा आ गया और सबको श्राप देकर पत्थर का बना दिया। उन्हीं देवताओं का मूर्ति यहाँ पर मौजूद है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन मूर्तियों को हाथों से खुदाई करके बनाया गया है। अब शिव जी ही जाने असल बात क्या है। सारी सीढ़ियाँ यहाँ पर है, हमारा तो यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही हालत एकदम खराब हो चुका था। तो ऊनकोटी आने का एक्सपीरियंस अच्छा ही था। अगर आप कभी त्रिपुरा घूमने आओ तो डोंट मिस दिस ब्यूटीफुल मिस्टीरियस प्लेस। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। जिन दोस्तों के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ आप ऊनकोटी आना चाहते हो उनके साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।